हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। देखिए आज की तो कुबेर महाराज की पूजा बहुत अच्छे से हुई, मेरी पूजा बाकी है। मैं थोड़ा रात को बैठूंगी, अभी 10:30 बजे से अच्छा मुहूर्त है। 10:30 से सुबह 12:15 बजे तक का रात को मुहूर्त है, उसमें मैं कर लूँगी। दूसरी बात, अभी 12 बजे के बाद शुरू होने जा रही काली चौदस। काली चौदस और कल की मैं बता रही हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कल की तारीख में, कल काली चौदस के दिन आपको क्या करना है। आज धनतेरस की पूजा हुई, कल यम की पूजा होती है, मतलब कल का यम का दिया निकलता है घर से, मतलब रात को 12 बजे से पहले। सारा घर साफ़ वाफ करके, बर्तन वर्तन माँज के, खाना वाना खाने के बाद रात को जो कचड़ा निकालते, कचड़े के साथ एक पुराना घर का पुराना दिया लेके, एक पुराना दिया लेके उस दिए को जला के, और हमें बोलनी है कि सारी दरिद्रता जाओ रे जाओ, लक्ष्मी जी आओ रे आओ, सारी दरिद्रता जाओ रे जाओ, लक्ष्मी जी आओ रे आओ बोल के उस कचड़े के साथ सुपली में वो दिया कि जहाँ कचड़ा सब फेंकते हैं वहाँ रख के दिए को चुपचाप रख के पलट आ जाना है, पलट के नहीं देखना है, पलट के नहीं देखना है। और एक नारियल उतार के उसको करके आने के बाद एक नारियल उतार के दरवाजे पे फोड़ के बाहर फेंक देना है, ये बात है। और अब है काली चौदस। अब होगा असली खेल शुरू, मतलब जो मारण क्रिया, मुठ करनी या सबको सबक सिखाने का, शक्तियाँ एक्टिवेट करने का टाइम हमारा रात को, आज रात को 12 बजे के बाद से शुरू होगा, और वो होगा रात 5 तारीख को सुबह 3 बजे तक, क्योंकि 5 तारीख को सुबह 3 बजे तक अमावस्या है। ऐसा मैं ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए देती हूँ एक दिन पहले, क्योंकि मैं कल आपको वीडियो बनाऊँगी कि मैं भी काम में हूँ और सारी चीज़ें हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बस आज एक बात है कि मुझे किसी की बात बहुत बुरी लग गई, बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। बुरी इसलिए लगी है कि हम आपसे काम लेते हैं, हाँ हम आपसे काम लेते हैं तो आप हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और हम काम लेने के बाद हम लोग आपका काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और अगर हम काम के बदले किसी को अगर कोई चीज़ सिखाते हैं और सिखाने के बदले उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरतों पर उनको चीज़ें भेजते हैं, और वो अगर वो इंसान वेट ना करे, ज़बरदस्ती उल्टी बात करे, तो उस इंसान के लिए हमें कुछ भी नहीं कहना है। क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, अगर हम किसी को यहाँ से अपना मानते हैं ना, तो यहाँ से कभी उसके लिए सोचते नहीं हैं। मेरी आदत ऐसी, अगर मैंने किसी को यहाँ से माना है ना, यहाँ उसके लिए मैं कभी लाऊंगी नहीं सोचने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों, कहते ना जो गलत होता है ना उसी को लगता है कि जो कसम जो दूसरों के लिए गलत करता है उसी को लगता है कि हम गलत हैं। मेरी आदत है स्टेटस पे बहुत सारी बातें डालने की, सब डालने की। मैं एक बात कहती हूँ, जब हमने आपके लिए लिया ही नहीं, आपका नाम हुआ लिया ही नहीं गया है, हमारा आपका कुछ हुआ ही नहीं है, ज़बरदस्ती अपने आप पर लेना अच्छी बात नहीं है। मैं भी समझती हूँ, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए तुक देना और ये बोलना कि अरे हमको तो हमारा ही दिया है, ये गलत बात है। अगर हमने आपको आपका दिया है तो जो इतने दिन से मैं झकमारी कर रही हूँ, इतने दिन से जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ उसका क्या, जो इतने दिन से मैं सारी चीज़ें सिखा रही हूँ उसका क्या, मैं पागल दिखती हूँ क्या, शक्ल से पागल दिखती हूँ? इतना सब कुछ मेहनत करा, इतना किया, मेहनत से सब कुछ इतना पार लगाया, और इतनी बात, यहाँ लोग मुझे 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को तैयार है, मैं सिखा नहीं रही हूँ। मारण क्रिया सीखना है, और यहाँ पे बैठे बैठे मैंने इतना सब कुछ सिखा दिया, उसके बदले ये जवाब, ये एटीट्यूड। अरे एक बात बताऊँ, ये विद्या दीदी ना मेरे लिए स्नेहा पूजा करती है, हाजिदा पूजा करती है, और भी लोग बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, मैं उनके पूजे के भरोसे नहीं हूँ, मैं उन लोगों के पूजे के भरोसे नहीं हूँ। उन लोगों को मैं पूजा सिखाती हूँ, ये जो 11 लाख जब वो लोग कर रहे हैं ना, 5.25 लाख जो नादे अली कर रहे हैं ना, वो उनको शक्ति मिलने वाली, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे उसमें 1 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। ये उनको एक बड़ी शक्ति मिलती है, एक और एक विद्या देवी तैयार होती कि और लोगों की मदद करती, मुझे उसमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। मैं जो लोगों को चीज़ें सिखाती हूँ ना वो उनका है, ये बात भूल जाए कि उसमें मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई मदद नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेप मेरा है। आप यकीन मानिए, अगर ये लोग जब सब लोग मेरे लिए पूजा भी करते हैं, और जब पूछ लें ना कभी स्नेहा को, कभी उन लोगों को कभी सर दर्द या कुछ होता है ना, तुरंत मुझे कॉल आता है, माँ सर दर्द हो रहा है, तुरंत 2 मिनट में उनका यहाँ से मंत्र पढ़ के काम करती हूँ। ये जो नमक का काम होता है, जो भी काम होता है, उसका लास्ट टचअप मैं देती हूँ। मैंने खाना बनाना सिखाया है, मैंने काम करना सिखाया है, काम काटना अब तक नहीं सिखाया। सोचो, मैंने वार करना सिखा दिया है, जंगल में छोड़ दिया है, जंग के मैदान में छोड़ दिया है, कहते ना चक्रव्यूह में डाल दिया है, चक्रव्यूह से बाहर, चक्रव्यूह में जाना सिखाया है,
पता है अभिमन्यु की माँ ने भी यही गलती की थी, जब उन अभिमन्यु उन्हें पूरी बात बता रहे थे चक्र में जाने का कैसे निकलने का कैसे, अभिमन्यु की माँ ने जब अर्जुन जी बता रहे थे कि चक्र से कैसे बाहर निकल जाता है, उस वक्त उनकी माँ सो गई थी, तो अभिमन्यु चक्र में जाने का मंत्र जान लिए थे लेकिन चक्र से बाहर आने का चीज़ उनको नहीं पता था। और एक और बात, मेरे पप्पा ने मुझे एक बात सिखाई है, बल से अच्छा त्याग। जिस जगह हमें लगे कि हमारी इज्जत नहीं और हमारी बातों को मान नहीं, उस जगह पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमारा चुप रहना। एक टाइम अगर आदमी जी भर के झगड़ा कर लेना, भड़ास निकाल लेना, वो आदमी सही, लेकिन अगर एक आदमी चुप बैठ जाए, शांत, मतलब आने वाला तूफान बहुत शांत रहता है। मैं शांत रहने में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ना किसी को गाली देती हूँ, ना उल्टा बोलती हूँ, ना कुछ करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं उसको उस हाल पर छोड़ देती हूँ। क्यों छोड़ देती हूँ उस हाल पर? कि आज नहीं तो कल उसको उस बात का एहसास होगा कि हमने क्या खोया है, समझे? अपनों से कोई दुश्मनी नहीं निकालता, मैं ऐसी हूँ। दूसरी बात है, हम मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये बात कहे, मुझे ये बात कहे कह रहे आपने हमको क्या दिया, हमको तो हमारा ही दिया है। अच्छी बात है, हमने आपको आपका दिया तो सही। YouTube पे कौन सा पंडित जो देता है, कौन सा पंडित जो सिखाता है और देता है? यहाँ लोग खा के बैठ जाते हो, उल्टा फ़ोन करके धमकी देते हैं और पैसा भेजने तो तेरी बैंड बजा देंगे, ऐसे बोलते हैं पंडित लोग। और यहाँ पे तो एक औरत मिली है ना, तो सोच रहे हैं कि, लेकिन एक बात, एक औरत काली भी है, दुर्गा भी है, और मैं तो साक्षात कामाख्या हूँ। मैं किसी को उल्टा नहीं बोलती, ना मैं गाली देती हूँ ना उल्टा बोलती हूँ, बस मुझे एक ही बात बुरी लगती है, मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है, और ना मैं मेरी बात जो दिमाग में नहीं वो दिमाग में डालते लोग, मैं जिसके बारे में नहीं सोचती हूँ उसके बारे में भी मेरे दिमाग में बातें जारी डालती है। मेरे को 50 टेंशन रहते हैं, 10 टेंशन है, मेरे पास 2 फ़ोन है, मेरे पास देखिए मेरा एक नंबर पर्सनल नंबर रहता है, जिस पर्सनल नंबर पे सिर्फ गिने चुने 4-5 लोग मेरे से बात करते हैं। मैं उस पर कभी स्टेटस नहीं डालती क्योंकि मुझे उन लोग के लिए मैं स्टेटस डालूंगी क्या? मेरा स्टेटस सिर्फ मेरे मेन फ़ोन पे रहता है, जिस पे कम से कम 2.5 से 3 हज़ार पब्लिक डेली जुड़ी हैं, और लोग अपने आप पर लेके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैं एक ही काम करती हूँ क्योंकि जहाँ जिसको यहाँ से माना है ना, यहाँ पे ला के फिर प्ले करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ लाऊँगी ना तो ब्लास्ट कर दूँगी। बस यही करती हूँ, बात करना छोड़ देती हूँ, बाकी मेरा सुल्तान जिन है देखने के लिए। जवान में हड्डी होनी चाहिए, माँ बाप के संस्कारों की वृत्त होनी चाहिए, समझ रहे हो? मैं क्या बोलती हूँ, चलो मैं गलत हूँ, आज एक बात बता दूँ, चलो मैं गलत हूँ, मैं फ्रॉड पंडित हूँ, लेके बैठ गई, ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला देख रहा है ना, अगर मैं आपके साथ गलत करूँगी, मैं ये उंगली एक आपकी तरफ क्यों, 4 मेरी तरफ है ना, लेकिन आप मुझे या किसी भी पंडित को उल्टा बोल के आप अपना नसीब बिगाड़ लेते हो, वेट नहीं करते हो। विद्या देवी ने बांट के खाना सीखा है, कभी अकेले नहीं खाई है और ना कभी किसी की बात सुनती है। मैं एक ही बात लेती हूँ, मैं दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं लेती, और जब दिमाग में ले लेती हूँ ना तो मैं उन लोगों को कहाँ तक पहुँचाती हूँ ये तो सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। मैं किसी की 1 गलती 2 गलती 3 गलती माफ़ करती हूँ, 4थी तो बिल्कुल नहीं माफ़ करती, और आज जो बात हुई है 4थी गलती है तो भी देखेंगे। फिलहाल तो अभी मुझे किसी से उलझने का मन नहीं है, ये फिलहाल मुझे अपने दिवाली की रात की पूजा करना है, नमक का काम करना है, बहुत लोगों का काम किया, रिजल्ट देना है, बाकी का मैं बाद में देखूंगी क्या करना है, ये बात है। लेकिन एक बात याद रखना, YouTube के ज़रिए बोल रही हूँ कि किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को कोई बात बोलने की। अगर आपको अगर आपकी चीज़ भी मिली है तो बहुत बड़ा बात है, समझ रहे? उसके बदले जो सामने वाले ने मेहनत की उसकी मेहनत को ज़ाया मत करो। अगर आदमी ने आपको पत्थर से सोना बनाया है तो सोने से पिघला के पित्तल में डालने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ये याद रखना, चाहे कोई भी हो। अगर हम पत्थर से सोना बना सकते हैं तो सोना से मिट्टी में मिलाने में भी 10 मिनट नहीं लगेगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ये मेरा वादा है। बस इसमें भलाई इतनी है कि अपने मतलब से मतलब रहने का और काम से काम। ज़्यादा घुसोगे तो मैं पूरी घुस जाऊँगी, ये मेरा वादा है, फिर देखो मज़ा क्या होता है। अब ये वीडियो भी सब लोग अपने दिमाग में लेंगे, लेकिन देखना पूरी वीडियो में मैंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है, बस यही बात कर रहा है कि जबान पे लगाम। एक जबानी होती है जो आदमी का बना देती है, और एक जबानी होती है जो बिगाड़ देती है। और विद्या देवी से जवान लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करना, मेरे से जो जवान लड़ाई करता है ना मैं उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करती, क्यों? मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या और कैसे करती हूँ। मेरी जगह रह के देखो ना, मेरी जगह रह के देखो, पता चलेगा, बाकी ऊपर वाला है। जय माता दी, हैप्पी दिवाली। और अभी बस 12 बजे के बाद शुरू होने वाली काली चौदस, शुरू होगा असली खेल विद्या देवी का। जय माता दी।